पुलिस ने आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट की अर्जी लगाई, हालांकि उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं है, लेकिन 7 दिन के रिमांड पर आरोपी को एक बार फिर से भेजा और पुलिस पहले ही तैयारी कर रही थी कोर्ट से कुछ और दिन की रिमांड अवधि को लेकर, क्योंकि कई सारे अनसुलझे पहलू हैं इस केस के अभी भी जिन्हें सुलझाना जरूरी है और इसीलिए पुलिस को और रिमांड अवधि चाहिए थी। इसी के चलते अब रिमांड अवधि को बढ़ाया गया है, हालांकि पॉलीग्राफी अर्जी पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। तो अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी गुलामुद्दीन को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और इसी के साथ आपको बता दें पुलिस ने आरोपी की पॉलीग्राफी टेस्ट की अर्जी भी लगाई थी, हालांकि उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन रिमांड अवधि को बढ़ा दिया गया है 7 दिन के लिए, क्योंकि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है इस गुत्थी को सुलझाने की। कई अनसुलझे पहलू अभी भी मामले को लेकर लगातार बने हुए हैं, उन्हें सुलझाना जरूरी है और इसी के चलते रिमांड अवधि को बढ़ाया गया है। हालांकि प्रशासन के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि अब अनीता के बेटे ने भी पुलिस के सामने एक नई चेतावनी चुनौती खड़ी कर दी है। आज मुजरिम गुलामुद्दीन को न्यायालय में पेश किया गया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट साहब अवकाश पर होने के कारण में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 पे पेश किया गया। पंजाब पुलिस ने मांग की थी कि इस गुलामुद्दीन की पुलिस कस्टडी दी जावे। हमने पुलिस कस्टडी का विरोध किया कि पूर्व में भी 7 दिन पुलिस कस्टडी ले चुके हैं, अभी तक पुलिस किसी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुँची है, इसलिए उसको पुलिस कस्टडी नहीं दी जाए। न्यायालय ने 23 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी है और हमने न्यायालय में मांग की कि इसके साथ में थाने के अंदर 3rd डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है और मुलजिम के जो अधिकार है वो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि मुलजिम का 24 घंटे के अंदर मेडिकल किया जाए और 3rd डिग्री का। और ब्यूरो चीफ प्रदीप जोशी फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और अधिक अपडेट के लिए। प्रदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी, देखिए कोर्ट ने रिमांड अवधि तो बढ़ा दी है और अब आगे क्या कुछ, क्योंकि पुलिस की ओर से पॉलीग्राफी को लेकर भी अर्जी लगाई गई लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं। अनीता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 23 नवंबर तक का उसे रिमांड दिया गया है और वहीं पुलिस प्रशासन और अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। पॉलीग्राफी टेस्टिंग की जो बात की गई थी उस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो काफी समय से पुलिस उसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन पूछताछ के दौरान ही अभी तक वो साक्षी और कहानी निकल कर बात सामने नहीं निकल कर आई है किस वजह से उसने हत्या की थी, क्या कारण थे, इसी को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रार्थना पत्र जो लगाया गया था उस पर सोमवार को जब कोर्ट खुलेगा उस पर सुनवाई का आदेश होगा कि क्या उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अनीता हत्याकांड में हत्या की गई थी उसी को लेकर पुलिस ने पूर्व भी पूछताछ की थी और अभी भी उसको तो 7 दिन का रिमांड मिला है, उसी रिमांड में अन्य पहले का प्रयास किया जाएगा। चलिए प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर जो अर्जी लगाई उस पर कोई फैसला नहीं, लेकिन रिमांड अवधि कोर्ट की ओर से बढ़ा दी गई है।